बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 2.8 की जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे 11 से लेकर और 20 तक। हमने 10 तक मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिए थे, तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले कहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मेरे साथ क्लास 9 और 10 की कम्प्लीट जो है वो आप लोग तैयारी करें। इसमें आपको इंग्लिश की वीडियोस, इंग्लिश के लेसन्स डिटेल फुल एक्सप्लेनेशन और इसी तरह साइंस की वीडियो भी अभी इंशाल्लाह आज ही अपलोड हो जाएगी। साइंस का इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर रीड और एक्सप्लेन करूंगी और उसके इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन आंसर बुक एक्सरसाइजेस सब कुछ प्रोवाइड करूंगी जनरल साइंस का। इसी तरह फिजिक्स की वीडियो मौजूद है और आप लोग जो है न्यूज़ जो अपडेट्स होंगी एग्जाम्स के हवाले से, कोई भी मॉडल पेपर है, कुछ भी जो अपडेट होगी वो आपको इंशाल्लाह इस चैनल पर मिलेगी। तो वीडियो को अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली आपको वीडियो मिल सके। अच्छा, x वो 4 + 4 y 4, यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको बता दिया था कि अगर x 4 हो कोई मसला नहीं होता, उसमें हम उसका स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। और अब जब दो चीजें हों तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट फार्मूला नहीं बन सकता। तो जब इसको परफेक्ट फार्मूला बनाने के लिए हम क्या प्रोसीजर करते हैं, हम पिछले क्वेश्चंस में कर आए हैं कि हम जो है जो चीज प्लस कर रहे होते हैं बीच में वही उसको माइनस करना होता है ताकि वो एंड पर जाके एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वो किस तरह से होता है वो आप कर भी चुके होंगे मेरे साथ पिछले क्वेश्चंस में, अभी हम दोबारा करते हैं। 4 by 4 = अब देखें इसका स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स फोर, ठीक है। फिर प्लस हम क्या लिखते हैं, 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे b क्या है और यहाँ माइनस क्या करने वाले हैं। तो देखें, a तो हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया, ये a था, ये b है। अच्छा, b हमारे पास 4 by 4, तो हम क्या इसमें लिखें कि स्क्वायर हमें लेना पड़ता है। तो जब हम स्क्वायर खोलें तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी जी, 2y स्क्वायर। जब 2y स्क्वायर को हम खोलेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4y4, यानी कि 2 × 2 = 4, y की पावर आ जाएगी 4। अब इसमें हमारे पास y क्या था या b क्या था, 2y2 आ गया, ठीक है, स्क्वायर ये चीज। और अब यहाँ पर हम कहते हैं कि जो चीज हम यहाँ ऐड कर रहे होते हैं वही चीज हमने यहाँ करनी होती है सब्ट्रैक्ट, क्योंकि फिर तभी हमारा जाकर परफेक्ट स्क्वायर बनता है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड वैल्यू कोई भी नहीं होती। तो यहाँ पर देखें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4 और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये हमने ऐड किया है फॉर्मूले के हिसाब से ऐड हुआ है और यही चीज हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब इसको आप फॉर्मूले के अंदर बंद कर लें। किस तरह से फॉर्मूले में बंद हो जाता है, ये ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, और बी हमारे पास क्या है, 2y स्क्वायर, इनका स्क्वायर माइनस, देखिए इसका भी जैसे इसका होल स्क्वायर होता है ना, तो जो चीज यहाँ पर होती है उसका भी आपने होल स्क्वायर लेना होता है, ठीक है, उसका भी होल स्क्वायर लिया करें ताकि वो इसके साथ मैच हो जाए। तो ये 4x² y² है, तो 4 का क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक है, तो 4 का आ जाएगा 2 और x² और y² का हम xy ले लेंगे और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। अब देखें, जब हम स्क्वायर को खोलेंगे तो वापस हमारे पास यही चीज आ जानी, 2 × 4 x² y², इसलिए अब ये हमने क्या बना दिया, फॉर्मूला बना दिया a² - b², ठीक है। तो a² - b² किसके इक्वल होता है, इंटू a + b × a - b, तो यहाँ पर हम उस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, हमारे पास a पूरा, मैंने आपको बार बार बताया हुआ है, a पूरा ये है और ये b है, तो इसको लिखा करें a, बोला भी साथ करें, ठीक है, ax² y² ना बोला करें, बोला करें a + b × a - b, ठीक है, माइनस भी हो गया। अब आप चाहें तो इनको अरेंज कर लेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये y² और ये x², इसका स्क्वायर सही है, ओके। अब हम चलते हैं इसको अरेंज करने की तरफ, अगर चाहे तो आप x², ये फॉर्मूला बन जाएगा 2xy + 2y² और यहाँ पर x² - 2xy + 2y², तो ये इसका आ गया आंसर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, क्योंकि और जिन बच्चों ने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है पहले वो करें, मतलब 2.8 के जो है वो पहले 10 क्वेश्चंस करें फिर इन पर आइएगा।
वो आपको बहुत डिटेल से वो मैंने समझाए हैं ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट वहीं पर क्लियर हो जाए। अब ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है जी, ये देखें, ये है फोर एक्स प्लस फोर ए। अब इसको देखें यहां पर, अब ए के ऊपर तो फोर नहीं है ना, इसके साथ एक्स है, तो ए सेम होने चाहिए थे तब जाकर हम इनका स्क्वेयर, या स्क्वेयर होता तो इसका स्क्वेयर बन जाता, लेकिन ए तो अकेला है तो इसका हम स्क्वेयर कैसे बना सकते हैं, यानी कि हम फॉर्मूले में जब स्क्वेयर लगाते हैं तो ये तो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको 2a² लें फॉर्मूले में तो ये 2 × 4 और ए स्क्वेयर हो जाएगा, जबकि यहाँ हमें स्क्वेयर तो है नहीं, तो हमें तो अंदर वही चीज लेनी होती है जो जाकर जब खुले तो हमारे पास ये चीज आए, लेकिन ये तो इस तरह हो नहीं सकता। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसका हम देखेंगे कि क्या चीज हमारे पास इसमें कॉमन आ रही है ताकि हमारा ये अरेंज हो जाए। अब देखें इसमें ए कॉमन निकल सकता है क्योंकि एक्स तो एक तरफ है एक तरफ नहीं है, तो ए हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। ए कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचा, यहाँ पर कितने ए बचे, ए क्यूब बचा, सही है। और आपके पास यहाँ पर क्या बचा, सॉरी यहाँ पर ए जो है ना, ए के ऊपर उसके फोर नहीं है बल्कि एक्स के ऊपर फोर है, ए के ऊपर फोर नहीं है बल्कि एक्स के ऊपर फोर है, ठीक है। तो ए कॉमन निकल गया और यहाँ पर क्या बचा, एक्स फोर प्लस फोर, दोनों में से ए कॉमन निकल गया तो अंदर बचा एक्स फोर प्लस फोर। अब आप इनको इजीली फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ए रहने दे ऐसे ही, सही है। और आप देखें इसमें एक्स फोर का क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, ठीक है, प्लस टू इंटू ए, ए हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, इंटू बी, बी हमारे पास क्या आएगा जी, फोर का क्या आएगा, टू, टू का स्क्वेयर लेंगे तो बी आ जाएगा। तो अब इसको आप खोलें, तो बन गया आपके पास फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर प्लस टू का स्क्वेयर, यानी कि एस ए प्लस बी का स्क्वेयर, ठीक है। और यहाँ पर बाद में देखें, यहाँ पर बाद में भी हमने माइनस करना होता है, मैंने क्या कहा था, जो चीज हम यहाँ ऐड करते हैं वहां सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, टू टू जो फोर माइनस, यहाँ प्लस हो रही है तो यहाँ माइनस करते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगी, फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये टू टू जो फोर। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला इसका बंद करें, ये मैं ब्रैकेट हटा देती हूँ। अच्छा यहाँ पर देखें, ये कर दें, इसका क्या बन जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, ये पिछले की क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चल इस ब्रैकेट को रहने दें क्योंकि हमारे पास ये ए भी कॉमन है, तो अभी ये ए बाद अलग से है, ठीक। अब आप करें ए को ऐसे ही रहने देंगे, अब इनका करें आप लोग कि क्या आएगा, यहाँ पर देखें x, अभी आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू, अब ये क्या बन गया, a बन गया, ठीक है, a पूरा, ये पूरा a है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, a एज इट इज आएगा, इसको मैं अरेंज कर लूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, तो यही इसका आंसर है, मजीद इसमें कुछ हो नहीं सकता, तो इसका यही आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल इसी तरह का ही है, और आपने क्या करना है यहाँ पर देख लेते हैं, 12a4 + 3b4। अब आप इसका देखें, अब 12 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ना 3 का कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ऑब्वियसली हम इनके परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको हम सबसे पहले इनमें से अगर कुछ कॉमन है तो वो निकाल लेंगे। तो 3 का टेबल जो है 3 पर भी जाता है, 12 पे भी जाता है, तो हम इसका मतलब है 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3 अगर मैं कॉमन निकालूं, ये मैं इक्वल के साइड पर कर रही हूँ, ठीक है। अब 3 मैं कॉमन निकालूं, 3 × 4 = 12, यहाँ बचा इसके साथ ए फोर आ गया, और 3 × 1 = 3, तो 1 तो हम यहाँ लिखते नहीं है, ऑलरेडी होता है, तो अंदर ये बच गया, ठीक है। अब आप इसका बनाएं जी स्क्वायर, बनाए तो बनेगा 2a² का स्क्वायर, ये a बन गया आपका, फिर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो b आपके पास आ रहा है b² का स्क्वायर लेंगे तो ये b4 वापस आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या था 2a² और यहाँ का b2, यानी कि a था ये b आ गया 2ab। अब आप देखें इनको वापस कन्वर्ट करें तो ये आपका a प्लस b,
ठीक है, और इनटू इसमें क्या होता है, ये तो इसका स्क्वायर हम जब ले लेते हैं तो ये चीज पूरी कवर हो जाती है फॉर्मूले के हिसाब से। अब यहाँ पर हमने एक काम क्या नहीं किया कि जो चीज हमने यहाँ ऐड की वो हमने सब्ट्रैक्ट नहीं की, तो वो भी आपने करनी है। आपने क्या ऐड किया, टू टू जा फोर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो यहाँ पर अब वही टू टू जा फोर जो है इसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ स्क्वायर के अंदर बी का स्क्वायर। देखें ये मैंने लिया, जब मैं इसको खोलूंगी तो मेरे पास वापस यही चीज आ जानी है। ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम फॉर्मूले को यूज करके परफेक्ट स्क्वायर बनाएं और फिर आगे से इसको सॉल्व करें। तो ये आपका बन गया, अब देखें अब ये आपका पूरा आ गया ए स्क्वायर और ये आ गया आपका बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हम बार बार कर चुके हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये पूरा ए है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सॉरी माइनस, अब माइनस आ जाएगा माइनस बी। तो अब आप चाहें तो इनको अरेंज कर लें, तो ये आ गया आपका टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाता है ना, इसलिए इसको अरेंज कर लेते हैं, माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यही इसका आंसर है। देखिए सारे क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा नंबरिंग वगैरह और अल्फाबेट चेंज कर दिए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम देखते हैं कि हमें थ्री वैल्यूज दी हुई हैं, ए फोर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी फोर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास दो वैल्यू होती हैं तो हम बना लेते हैं, और जब सेंट्रल वैल्यू के साथ टू ए आना चाहिए, ठीक है, टू इंटू ए बी बी या कुछ भी हो तो वो सेंट्रल वैल्यू बनती है। अब यहाँ पर टू तो सेंटर में है नहीं, ठीक है, टू नहीं है तो ये परफेक्ट वैल्यू नहीं बन रही है। तो अब हम इसको किसका तरह बनाएंगे, इनटू अ परफेक्ट, वी विल हैव टू एड एंड सब्ट्रैक्ट सम वैल्यूज इन मिडल, ठीक है। तो हमें वही चीज करनी पड़ेगी जो हम करते आ रहे हैं कि हमने इसको फिलहाल चीज को नहीं देखना, हमने फॉर्मूले के हिसाब से जिस तरह हम चल रहे हैं यानी कि इन दोनों चीजों को हमने यूज करते हुए खुद बहुत हमारा सेंटर की वैल्यू बन जाएगी, फिर वही जो सेंटर की वैल्यू होगी जो बाहर हम माइनस कर रहे हैं वो बाहर जाकर माइनस हो जाएगी। यानी कि करना काम सेम ही है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके दे दिए, बस आपने ये करना है कि इस सेंटर वैल्यू को फिलहाल भूल जाना है। तो इस साइड पर आप क्वेश्चन उतार लिया करें, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इसका स्क्वायर बन जाएगा डायरेक्ट, अब हमें कुछ भी कॉमन निकालने की तो जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखें ए बना लिया मैंने, ए स्क्वायर इंटू टू ए बी, टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो बी क्या है आपके पास, बी फोर है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये बी फोर बन जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर आपने लिखना होता है ए हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर, और बी क्या है, बी स्क्वायर, तो ये बन गया टू ए स्क्वायर बी, सही है। और आपने बाहर क्या प्लस माइनस, माइनस क्या करना होता है, जो आपने बीच में ऐड किया है, तो ये आपने ऐड किया टू ए स्क्वायर बी, बी स्क्वायर, तो ये आपका हो गया माइनस बी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको यहां पर जो आपने फॉर्मूले का ए बी लिखा है, फॉर्मूले का ये टू लिखा है ना, तो ये इसमें आप अगर लेंगे तो टू जो है, मैं आपको आगे करके बताती हूँ, यहाँ पर हम ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले में बंद हो गया। अब देखें टू तो हम फॉर्मूले में बंद नहीं कर सकते ना, तो टू हमारा जो है ये इसके साथ नहीं आएगा क्योंकि ये फॉर्मूले, ये वाली वैल्यू हमारी सेंट्रल वैल्यू थी, सही है। अगर हम इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करते हैं या ये वैल्यू, या ये वैल्यू देखिए हमें इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, ये चीज मैं आपको नहीं बता दूं कि इसमें तो हमारे पास कोई थर्ड वैल्यू नहीं थी, ठीक है, थर्ड वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने जो यहाँ पर ऐड हुआ वो सब्ट्रैक्ट होकर उसका स्क्वायर बन गया। लेकिन अब यहाँ क्या चीज डिफरेंस है कि इसके साथ ही हमारे पास थर्ड वैल्यू दी हुई है, और हमने यहाँ ऐसा नंबर माइनस करना होता है या सब्ट्रैक्ट प्लस करना होता है कि जब हम इसके साथ करें तो हमारे पास आंसर ये आ जाए, सही है, आंसर वापस यही सेंट्रल वैल्यू आए। हमने वो चीज यहाँ सब्ट्रैक्ट करनी होती है कि जिसको हम जब सब्ट्रैक्ट करें इसमें से तो यही चीज हमारे पास आ जाए। अब ये देखें हमारे पास यहाँ हम टू नहीं लिखेंगे बल्कि हम, अब मैंने आपको बता दिया कि इन क्वेश्चन में थर्ड वैल्यू नहीं थी तो हम जो चीज ऐड कर रहे थे वही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब थर्ड वैल्यू हो तो आपने यहाँ वो वैल्यू माइनस करनी है, जब उसको आप अंदर वाली वैल्यू से माइनस करें तो आपके पास ये आंसर आ जाए। अब यहाँ पर मैंने, मेरे पास ये टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये मैं रफ के लिए समझाने के लिए लिख रही हूँ, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनता है जब इनको मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मैं इसमें से क्या करूंगी, जब माइनस
वन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वन मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ करूंगी। जब टू में से वन माइनस हुआ तो क्या आ गया, वन वन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और वन तो हम मेंशन नहीं करते तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये चीज आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पर क्या माइनस करना होगा, वन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और वन तो हम शो नहीं करते इसलिए सिर्फ आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा ट्रिक और थोड़ा सा थॉट जो है वो चेंज हो गया। ये चेंज था जब दो वैल्यूज थी, अब तीन वैल्यूज है, तो हमने के वैल्यू लाने के लिए इधर ऐसी वैल्यू लिखनी है कि उसको इसमें से मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगी। मैं तीसरी से चौथी बार आपको रिपीट कर रही हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। अब आप इसका स्क्वायर बनाए तो ए बी का स्क्वायर बन गया, अब आपके पास फिर से बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको खोल लें ए स्क्वायर, ये आपका ए आ गया पूरा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप चाहें तो इनको अरेंज कर लें, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यही इसका आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। अब इसी तरह के जो 14 के बाद के क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह के हैं 14 वाले, तो चलिए करते हैं, मेरे साथ करें और मेरे साथ सॉल्व करके अपने पास नोट्स बना लिया करें ताकि आप लोगों को बाद में कोई परेशानी ना हो। जो मैं बोल रही होती हूँ, जो पॉइंट्स आपको हिंट्स बता रही होती हूँ ना, ये आप लोग अपने पास स्टार बनाकर इम्पोर्टेंट में लिख लिया करें उन्हीं क्वेश्चंस के साथ। ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने बच्चों को भी करवाती हूँ कि जब मैं आपको समझा रही हूँ, और बल्कि मैं खुद उनकी कॉपीज में लिख कर देती हूँ स्टार लगाकर उस क्वेश्चन के साथ जो भी मैं बात बोल रही होती हूँ वो, क्योंकि जब हम दोबारा उसको रिवाइज कर रहे होते हैं तो हमें दोबारा समझ नहीं आती इस क्वेश्चन के साथ हमने क्या किया था। जब हम वो पॉइंट पढ़ते हैं तो हमें खुद बहुत समझ आ जाता है कि जी इसमें ये करना था। तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें भी जो है टू वैल्यूज दी हुई हैं, थ्री वैल्यूज दी हुई हैं, तो आपने अब यही करना है जो मैंने आपको करके दिखाया है। तो एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर, अब इसके साथ हम क्या करेंगे जी, पहले हम स्क्वायर बना लेंगे ए और बी को यूज करेंगे, ए और ये यहाँ पे क्या होता है टू ए बी प्लस बी हमारे पास आ जाएगा वाई का स्क्वायर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्या बताया है, पहले तो हम यहाँ लिखेंगे ए और बी, अब यहाँ पर हम क्या माइनस करेंगे जो हमें यहाँ पर चाहिए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन के साथ, ठीक है, साइन भी साथ में चाहिए होता है वही वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, हम ये टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो हम इसमें से एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वही वाला पिछला वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वहां पर ए भी था, यहाँ पर ए स्क्वायर भी, यहाँ पर हो गया जी एक्स स्क्वायर, अब ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर और माइनस, अब इसका मैं स्क्वायर बना लूंगी एक्स वाई का होल का स्क्वायर, जब मैं खोलूंगी तो यही चीज आ जाएगी। अब ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर, तो आप इसको पुट कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बी यानी कि एक्स वाई की वैल्यू, ये वैल्यू अब इनको अरेंज कर ले, एक्स स्क्वायर ये प्लस सी आएगा प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं यहीं से शुरू करूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम बचाने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें जी, ए फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन, देखिए वन दे दिया तो वन में तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, वन का स्क्वायर तो हमेशा वन ही होता है, आप उसका कुछ भी ले लें, क्यूब ले लें स्क्वायर ले लें तो वो वन ही होता है, तो आप वन को बहुत आराम से लिख लिया करें स्क्वायर में। अच्छा, अब देखें इसका मैं वही लेने जा रही हूँ, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी, बी क्या है वन ही है तो वन तो चेंज नहीं होगा, तो वन बी का स्क्वायर
और फिर माइनस हम क्या करेंगे, देखिए क्या बना, टू ए स्क्वायर, टू वन जो टू और ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर, और यहाँ हमें क्या चाहिए, सिर्फ ए स्क्वायर, टू नहीं चाहिए, यानी कि वन ए स्क्वायर। तो हमने यहाँ सिर्फ ए स्क्वायर लेना है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस करेंगे तो मेरे पास ये इसमें से ए स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, सेंट्रल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पर आप फॉर्मूले को बंद कर लें, ये बन रहा है आपका ए स्क्वायर प्लस बी होल का स्क्वायर और माइनस, अब इसका भी आप स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है, अब आपका आ गया ये पूरा ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर। मैं लिख देती हूँ बच्चों को समझाने के लिए, लिखती हूँ बार बार हर क्वेश्चन में ताकि कहीं बच्चे कंफ्यूज ना हो। अच्छा, ये आपका आ गया ए, ये पूरा ए है, तो आप लिखेंगे ए, ए क्या है, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस बी, सही है, और फिर ए माइनस बी। ठीक, अब आप इसको अरेंज कर दें, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में जी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स फोर प्लस टू एक्स टू प्लस नाइन। अब आप देखें इसको किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले तो वही स्टेप आपने करना है सॉल्यूशन के बाद कि इसका स्क्वायर बनाएं, ए प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या माइनस करने वाले हैं, तो बी क्या बनेगा आपका, थ्री बनेगा, थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा, तो ये बी इधर आ गया और ए हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ आपने, यहाँ आपको क्या चाहिए, ये मतलब आंसर में क्या चाहिए, टू एक्स स्क्वायर चाहिए, तो सेंटर में चाहिए टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, ये मैं रफ में लिखूंगी समझाने के लिए, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स और ये वाला एक्स स्क्वायर, तो आप क्या आंसर आ रहा है, सिक्स एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है आपने सिक्स एक्स स्क्वायर में से क्या माइनस करना है कि आपका आंसर आ जाए टू एक्स स्क्वायर। तो सिक्स एक्स स्क्वायर में से आप क्या माइनस करेंगे, फोर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तभी आपका सिक्स में से फोर माइनस हुए तो आपका आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस चाहिए, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और ये वाला प्लस जो साइन होता है वो बड़े नंबर का लगता है, तो यहाँ बड़े नंबर का साइन प्लस का लग रहा है। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं भी कोई पॉइंट आपको समझ में आता तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट करके जरूर बताया करें क्या चीज आपको सही समझ में आई, क्या नहीं समझ में आई, किसका आंसर आपको चाहिए, तो इंशाल्लाह आपको फौरन से रिप्लाई मिलेगा। अब आप कर लें स्क्वायर बंद कर लें इसको, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर क्या बनाऊंगी मैं, टू एक्स का स्क्वायर, यानी कि जब इसको खोलूंगी तो वापस यही चीज आ जाएगी। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बार बार बता चुकी हूँ ये पूरा ए है और ये बी है, तो आप इसको अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस आएगा, दूसरी दफा माइनस लिखते हैं, माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ये इसका आंसर है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20, तो बिल्कुल ये भी इसी तरह के हैं। अच्छा, 18 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, मैंने इसीलिए इस इन 10 क्वेश्चंस के लिए सेपरेटली वीडियो बनाई थी, एक साथ पूरी एक्सरसाइज अपलोड नहीं की क्योंकि इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होने वाले थे, और मैंने कहा अलग से टाइम, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग थी, मैं डिटेल में समझाना चाह रही थी, जल्दी जल्दी नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने अलग से आपके लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो अब देखें इसका स्क्वायर बनाएं, एक्स स्क्वायर, फिर सेंट्रल वैल्यू पे, अब यहाँ पर देख लें आप सेंट्रल वैल्यू में माइनस आ गया। आप देखिए माइनस वाले को मैं कैसे करूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे आंसर में माइनस भी चाहिए होगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनाया और फिर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, तो बी मेरे पास यहाँ क्या है, फोर इसका स्क्वायर वाई फोर का, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर टू ए लिख दें, ए क्या है एक्स स्क्वायर और बी क्या है वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मैं जब इनको कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का, मुझे आंसर क्या चाहिए, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मुझे चाहिए माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आप मुझे बताएं कि मैं सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हासिल करने के लिए माइनस का
इसके अंदर क्या ऐड करना चाहिए मुझे, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब ये तो आप ऐड करेंगे, ऑब्वियसली आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये सिक्स या माइनस करेंगे, लेकिन आंसर तो आपको माइनस में चाहिए, तो क्या मैं इसके अंदर माइनस एट, ठीक है माइनस एट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करूं तो आंसर मेरा आएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास तो इश्यू ये है कि ये मेरे पास प्लस का है, नहीं ये प्लस का नहीं है, ये आपका लगेगा माइनस का, क्यों माइनस का लगेगा, क्योंकि सेंट्रल वैल्यू आपकी माइनस की थी और ये माइनस लगेगा, ठीक है ये याद रखिएगा, यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ आपके पास माइनस यूज होगा और ये आपका माइनस का टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है अब ये टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आया, अब इसमें से आप क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आपके पास आ जाए सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये माइनस का है और मुझे आंसर माइनस में चाहिए, तो मैं लगाऊंगी माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी कि फोर प्लस टू कितने हो गए सिक्स, और ये माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन लगता है माइनस का, ये मैं आप लोगों को बार बार समझा चुकी हूँ, माइनस माइनस जब दो चीजें माइनस हो तो वो उसको हम करते ऐड है, लेकिन जब साइन लगाते हैं तो वो माइनस का लगाते हैं, ठीक है तो ये यही चीज यहाँ पर की है कि माइनस माइनस प्लस किया है, यानी कि फोर प्लस टू हो जाएंगे सिक्स, और साइन किसका लग जाएगा माइनस का, तो मेरे पास माइनस सिक्स आ गया, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ गया माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये चीज हमारी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगी। अब आप इसका बनाए स्क्वायर बंद करें एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर ए इंटू बी का स्क्वायर, अब इसको स्क्वायर के अंदर बंद करें टू एक्स वाई का स्क्वायर, बंद हो गया, अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है अब इनको अरेंज कर लें एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अब चलें जी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, इसमें भी माइनस वाला है ए फोर माइनस सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस नाइन बी फोर, नाइन बी फोर, अब देखें यहाँ पर हम किस तरह से करेंगे, वही स्टेप हमने रिपीट करना है, इसको और इसको यूज करें ए का स्क्वायर माइनस, ये यहाँ माइनस है तो माइनस टू लगेगा, ए बी प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है नाइन बी है तो नाइन का क्या होता है थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, बी स्क्वायर का स्क्वायर लूंगी तो फोर आ जाएगा, ठीक है अब यहाँ पर हमने लगाना है टू ए और बी, बी क्या है थ्री बी स्क्वायर, अब आप देखें आपको सेंटर में क्या चाहिए माइनस सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब आपने यहाँ पर देखे क्या आया टू थ्री जो सिक्स, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए, आप भी अपने पास भले पेंसिल से यहाँ लिख लिया करें ताकि आपको आराम से नजर आ जाए चीज, जो चीज लिखी हुई होती है ना वो ज्यादा समझ में आती है, ठीक है लिखी हुई चीज सामने होती है आप उसको पढ़ भी रहे होते हैं उसको देख भी रहे होते हैं और उसको समझ भी रहे होते हैं, टू थ्री जो सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सही है और ये माइनस का है, तो माइनस का सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो मैं इसमें कुछ और ऐड करूं माइनस का, तो मेरे पास क्या मैं माइनस वन अगर इसमें ऐड करूं माइनस वन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस हम लिखते नहीं है तो आपको पता है सिक्स माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, सिक्स प्लस वन कितने हो जाएंगे सेवन हो जाएंगे, तो इसका मतलब मैं सिर्फ यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगा दूंगी तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उम्मीद है मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये देखें ए प्लस बी का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर क्या बनेगा ए बी का स्क्वायर, क्योंकि हम खोलेंगे तो वही चीज आ जानी है हमारी, अब देखें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इनको अरेंज कर लें ए, ये फॉर्मूला सा बन जाता है ना एक लुक सी बन जाती है इसलिए हम इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद आपको इंशाल्लाह जो है वो मिलेगी साइंस की वीडियो,
जिसमें हम चैप्टर वन को रीड और डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। मुझे लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी जनरल साइंस के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत डरते हैं साइंस के सब्जेक्ट से, और उनको कोई भी इस तरह से गाइड करने वाला नहीं है, ना यूट्यूब पे है। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों की पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी जितना मैं कर सकी आप लोगों के लिए। a4 - 27 a² + 1। तो यहाँ पर देखें, इसको भी उसी तरह से करना है a4। अब a4 का बना लें जी a² का स्क्वायर - 2। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगेगा, 2ab + b² का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें a² तो ये आगे b आपका क्या है 1, तो 1 तो 1 ही होता है हर जगह। अब आपको सेंटर में चाहिए -27a² तो अब आप देखें यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 रहा है 2a² 1 तो मल्टीप्लाई होकर 1 यही चीज आ जाएगी, ये है -2a² तो आप इसमें क्या मजीद ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे? आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर, लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि आपके बड़े नंबर के साथ जो बड़ा नंबर लिखा जाए उसके साथ ये वाला साइन होना चाहिए जो यहाँ पर है, तभी आपका जाकर आंसर सही आएगा, सही साइन आएगा। अब मेरे इसके साइन के साथ मुझे माइनस चाहिए, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पर कोई चीज माइनस ही करनी पड़ेगी तभी जाकर मेरा ये आएगा। देखिए -2a² है, इसमें अगर मैं माइनस यानी कि ऐड करूं -25, ठीक है, तो 25a² में ऐड करूं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, लेकिन साइन किसका लगता है माइनस का, तो 25 + 2 हो गया 27a², तो देखिए मेरी ये चीज आ गई सही है। तो इसका मतलब है मैं इसको क्या करूंगी माइनस, ये आपने खुद से अपने माइंड से सोचना होता है हर क्वेश्चन के लिए। तो भी आप जाकर, अब 27 मैंने क्या कर, 25a² मैंने यहाँ पर किया। अब देखें a² × b² - अब 25 का क्या स्क्वायर बनता है 5 × 5 = 25, इसका स्क्वायर लूंगी तो यही मेरे पास वापस चीज आ जाएगी। अब ये बन गया a² - b² a² - b² = होता है a + b × a - b। अब इनको अरेंज कर लें a² ठीक है, तो ये आपका बन गया जी आंसर। और इसके साथ ही हमारी 2.8 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो साइंस की अपलोड करेंगे, फिर हम साथ साथ क्लास 9 की कुछ एक्सरसाइज रहती हैं वो अपलोड करेंगे। कुछ एक से दो एक्सरसाइज अब मजीद रह गई हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको कराने हैं, तो इंशाल्लाह जल्द वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो आप लाइक करके उसको कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी फ्री एजुकेशन से फ़ायदा हासिल कर सकें। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।